और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तलाशी के दौरान आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई है। खबर बड़ी है और आपको जानकारी दे रहे हैं, सेना की तरफ से ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कहा जाता है कि दो आतंकवादियों का खात्मा सेना की तरफ से किया गया है। हालांकि शोपिया वाली जगह है, जब शोपिया इलाके के अंदर हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहा जाता है कि दो से तीन आतंकी छिपे हुए थे जिनको लेकर खबर मिली सेना को, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कहा जा रहा है कि तलाशी हो रही थी और तलाशी के दौरान आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की है, गोली भी चलाई है। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जब सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल खबर बड़ी है कि दो आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है सेना की तरफ से, क्योंकि सेना को लगातार कामयाबी हाथ लग रही है। और बड़ी खबर गुलिस्तान न्यूज पर 5 के 5 में हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर की खबर है। जोड़ो तुम जोड़ो। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में शोपिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है और तलाशी के दौरान आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर गोली चलाई है। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया है और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। सेना ने दो आतंकवादियों के खात्मे की बात कही है और सेना की तरफ से ये जानकारी दरअसल मिली है कि दो आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। फिलहाल जानकारी बड़ी है और आपको बड़ी खबर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको हर एक जानकारी पहुंचाएंगे इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताज़ा तस्वीरें हैं, जब सर्च ऑपरेशन इलाके के अंदर चल रहा है। खबर बड़ी है, जानकारी हम आपको देने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। तलाशी के दौरान आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर गोली चलाई है और सेना की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ देर में हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ेंगे सीधे शोपिया से और आपको बताएंगे कि क्या घर घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है या फिर अन्य आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। फिलहाल ताजा जानकारी ये है कि दो आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। आपको बड़ी खबर बड़ी जानकारी देने की कोशिश इस वक्त हम कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर 5 के 5 प्रोग्राम ने, क्योंकि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जब हम आपको खबर बता रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो सेना के सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, लेकिन दो आतंकवादियों का खात्मा सेना की तरफ से कर दिया गया है। जानकारी बड़ी है, खबर बड़ी है, हम आपको देने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं अभी, और फिलहाल 2 आतंकवादियों का खात्मा सेना कर चुकी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं पिछले दिनों से किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं सामने आ रही हैं और आम लोगों को टारगेट इस वक्त आतंकी कर रहे हैं और सेना की तरफ से आतंकवादियों का खात्मा किए जाने का काम लगातार जारी है। क्योंकि पिछले दिन आपने दिलबाग सिंह साहब को भी सुना और विजय साहब भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि मोस्ट वांटेड आतंकियों को हम लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर हो, शोपियां हो, अलग अलग इलाके हो, वहां पर आतंकवादियों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और उसी को नाकाम बनाने के लिए लगातार सेना की तरफ से काम किया जा रहा है। लगातार सेना कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में और बेहतर हालात बनाए जा सकें। जो हालात बिगाड़ने का काम इस वक्त आतंकी कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम आतंकी कर रहे हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर चल रहा है और तलाशी के दौरान आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर गोली भी चलाई है। इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शोपियां से, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर 5 के 5 में। क्या जानकारी आपके पास है, जब हम खबर बता रहे हैं क्या इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? ये कहा जाता है कि 2 आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है, क्या सेना की तरफ से इसकी पुष्टि हो गई है और इलाका कैसा है? क्योंकि सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इरशाद अपने दर्शकों को। बिल्कुल, को बता दो, अगर बात की जाए एनकाउंटर के हाल से तो अड्डा ही में बड़ी गांव एरिया जो कि जैनपुरा एरिया है,
वहां उस महा चलाया और ये महाराष्ट्र जो है वो चलता रहा और जू ही फोर्सेस जगह पे यहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे वहां पे मेरा अभी तक इस एनकाउंटर में दो मिलिटेंट जो नाम है कि दो मिलिटेंट इसमें अभी भी छुपे हो पे जो है सर्च ऑपरेशन बिल्कुल और जी ठीक है इरशाद। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकवादी और हो सकते हैं, क्या ऐसा है या कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशन को क्लोज कर दिया जाएगा? इरशाद देखिए अभी कुछ नहीं सकते थे और जी मतलब मैं आपको बता दूं कि इनिशियल में ही जो उसके बारे में बात है फोर्सेस ने 4 मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अगर बात की जाए तो 2 मिलिटेंट जो है अभी तक इसमें जाम बाग हो चुके हैं और 2 अभी भी इसमें छुपे हो सकते। फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और फौज का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट जो है वो इसी इलाके में बिल्कुल छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कब तक जो है ये एनकाउंटर जो है वो जारी रहेगा ये अभी कहने वाले बाकी होगा जी। ठीक है इरशाद, क्या जो 2 आतंकवादी मारे गए हैं उनके बारे में पता लग पाया है कि वो आतंकी क्या स्थानीय हैं या फिर पाकिस्तानी आतंकी है, क्या कुछ जानकारी, क्या सेना की तरफ से कुछ ट्वीट किया गया है इरशाद? देखिए अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है जो ये मिलिटेंट को मारे गए लोकल भी हो सकते हैं, अलबत्त कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। डेड बॉडी है बिल्कुल इसी स्पॉट पे है, बिल्कुल लगातार जारी है और कोई मानना है कोर्ट ने पहले ही इस गांव का और कोर्ट भी माना कि 2 मिलकर इसमें अभी छुटे हो। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल इरशाद आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि 4 आतंकवादी कम से कम हो सकते हैं, जिनमें से 2 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है और इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त ये कहा जाता है कि अभी जो अन्य आतंकी है उनका भी जल्द से जल्द खात्मा सेना की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बारे में नहीं की गई है, लेकिन खबर है 2 आतंकवादियों को मारे जाने की, किस तंजीम से ताल्लुकात रखते हैं कुछ देर में ये जरूर पता लगेगा और गुलिस्तान न्यूज़ वो जानकारी भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा।